कितना मिस किया। मैं आके यहाँ पे आ रही थी, मैंने फोन किया बेटुआ को कि शालुपी यहाँ पे नहीं, फिर बेटुआ के मामू लोग आए हुए थे दोनों बाहर से, तो उन्होंने स्वीट मंगाई थी हम सब के लिए, तो बस हम सब वही खा रहे थे। रुक मैं ला रही हूँ। कैसी बर्तन है अम्मा? अरे आपने पानी, तो अभी यहाँ पे सब मेरी चाय बन रही है, बनाने फिर मिलते हैं। मास्क निकाल के दे रही है अम्मा कितनी चोरी से। बस इतना डर लगता है अम्मा की वहाँ से कप निकाल के लाने में, फिर देखो अम्मा कितना गुस्सा करती है। अम्मा ये कितने सारे कप निकाल लाई है, डर डांटने के लिए करिए। वो डांटने लगी कितने सारे कप है, थोड़ा ना पूरे उठा लाए अम्मा के घर आ गए, इतने सारे लोग थे। तो फिर तो अब ले आई हूँ मैं, धुल दूंगी। मैंने कहा था ना सबसे डिफिकल्ट काम है अम्मा की कप। अम्मा रहने देना, कप रखने दे देना, धुल दूंगी। अच्छा उतने उतने ही रहने दे। अच्छा प्रिंसेस ही करती है अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, तुमने कब से सूट नहीं बदला? नहीं एक महीना होने को आया। आज बदला है, इससे पहले भी पिंक पहने थी। ठीक है। आपने देखा कि जब सबा अम्मा से मिलने गई तो अम्मा अकेले घर में रहती है, तब अम्मा को देखते हुए सबा ने अपने हाथों से चाय बनाई। और आप एक नजर डालिए अम्मा के घर पर, जिस रूम में वो रहती हैं। और आपने वीडियो में देखा होगा कि जब मेहर कप निकालती हैं अम्मा के रखे हुए, तब अम्मा गुस्सा करने लगती हैं। अम्मा आखिर ऐसा क्यों करती हैं? सबा के चार मामू हैं, दो थोड़ी दूरी पर रहते हैं और दो पास में ही रहते हैं। एक मामू का नाम है कारी मामू और दूसरे मामू का नाम है बच्चा मामू, तो अम्मा उन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अम्मा कितनी जिद करती है कप छीनने में, तो बुढ़ापे में अक्सर कर ऐसे हो जाते हैं। अम्मा सबा शुएब इब्राहिम बाकी सभी लोगों से काफी प्यार करती है, लेकिन आखिर उन्हें ऐसी चिड़ क्यों मचती है जब महर ने इतने सारे कप निकाल लिए तो अम्मा उठाने लगती हैं। क्या अम्मा सभी को जितने भी मौजूद थे वहां पर उनको चाय पिलाना नहीं चाहती थी? तो अम्मा की इस बात को कभी भी सीरियस मत लेना, बुढ़ापे में कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं, ये आम सी बात है। अब बात ये आती है कि आपने देखा होगा कि एक अम्मा जिनके चार बेटे हैं तब भी वो अपना अकेले खाना बनाती है, चाय बनाती है। क्या चार बेटों से एक अम्मा का खाना नहीं बन पाता? लेकिन अगर देखा जाए तो अम्मा तेज दिमाग की होंगी, शायद इसलिए अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती। काफी बार ऐसा भी देखा गया कि बुढ़ापे में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से अम्मा अलग रहती हैं। लेकिन जैसे ही सबा मुंबई से मौधा आती है तो वो इतनी जल्दी अम्मा से मिलने जाती है कि जैसे एक माँ से एक बेटी जाती है। हाँ ये बात है कि नानी बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करती है। अम्मा हो या फिर बेटी खाला, सबा बिल्कुल भी देर नहीं करती उनसे मिलने जाने के लिए। तो आप अम्मा की बात को सीरियसली मत लें। और आपका ये कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आप आपसे ज्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।